हेलो गाइस, मेरा नाम प्रीतेश है, मैं जेनिथ से हूँ। आज हमारे पास जो पेशेंट आए हैं वो लाइकोमा रिमूवल के लिए आए हैं। वो काफ़ी टाइम से लाइकोमा सर्जरी कराने वाले थे, तो आज वो फाइनली आए हमारे पास, तो हम देखेंगे इनके बाद। इनका नाम अमित है। अमित जी, आपकी प्रॉब्लम कब से है? नियर बाय मेरे को 8-10 साल से। ये इनको इतने छोटे छोटे चर्बी की गिठाने, इन्हें हम लाइकोमा बोलते हैं। तो ये लाइकोमा का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है किस वजह से बनते हैं। ये जेनेटिक होता है जनरली। ये इनको 20 से 25 लाइपोमा हैं आज हम लोग रिमूव करने वाले हैं। तो इसमें हम एक छोटा सा इंसीजन, जितना बड़ा लाइपोमा होता है उसका 1/4 इंसीजन लगा के इसको निकाल देंगे। और इसमें टांके भी बहुत कम आते हैं, मतलब 1 से 2 टांका लगेगा। इसके स्कारलेस ट्रीटमेंट होता है, ये स्कार भी नहीं रहेगा, बाद में सब चले जाएगा। तो अमित जी, आप फाइनली आप आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, आप रिमूव करवाने वाले हैं लाइपोमा? जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट है। अच्छा, इससे आपको क्या परेशानी क्या होती थी? ये बस दिखने में अच्छे नहीं लगते इससे। हाँ गाइस, में कोई पेन वगैरह नहीं होता है, सिर्फ ये कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से पेशेंट कराते हैं, क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसका आफ्टर का रिजल्ट हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। इससे इसलिए प्रोसीजर करने में उनको 20 से 25 मिनट लगेंगे ओनली। तो हम आपके साथ शेयर करके बाद इनका रिजल्ट।